कोरोना वैश्विक महामारी, आज कोविड 19 वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व ग्रसित है। शुरू शुरू में चीन के वुहान शहर से कोविड 19 वायरस की उत्पत्ति हुई और चीन के वुहान से संक्रमित लोग दुनिया के जिस जिस कोने में गए, अलग अलग जिस जिस महाद्वीपों में पहुंचे और वहां पर उन व्यक्तियों के संपर्क में आने से लोग संक्रमित होते चले गए। चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कोविड 19 के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना प्रारंभ होता है, इसलिए आज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी महाद्वीपों में कोविड 19 से लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं। आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हम कैसे इस वायरस से लड़ें और विजय प्राप्त करें। सरकार समय समय पर एक्सपर्ट से राय लेकर देश के 135 करोड़ नागरिकों को सुझाव एवं निर्देश और संदेश सरकार के द्वारा प्रसारित किया जाता रहा है, परंतु इस कोविड 19 वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कैसे भारतवासी इस वायरस को हराएं, इसमें जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। यानी भारत के 135 करोड़ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस कोविड 19 वायरस को हराने के लिए। सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया, प्रथम चरण पूरा हुआ, द्वितीय चरण का लॉकडाउन किया गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें कुछ रियायतें प्रदान की गईं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज भारत इस वायरस से सुरक्षित हो चुका है, अभी तो हमारी चुनौतियां और आगे बढ़ने वाली हैं। इस वायरस से लड़ने के लिए जन जन की भागीदारी आवश्यक है। सबसे पहले हम कुछ बचाव के लक्षण के बारे में ध्यान देना जरूरी है सभी को, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाया जाए, अनावश्यक किसी के साथ मिलने जुलने की आवश्यकता नहीं है, मास्क का प्रयोग किया जाए, बार बार अपने हाथों को पानी और साबुन के सहायता से 20 सेकेंड तक इसको धुला जाए। इसके अलावा साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि आपके आसपास कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। जहां साबुन और पानी नहीं मिल पा रहा है वहां आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस वायरस के लिए अभी तक पूरे विश्व समुदाय के पास इस वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, चाहे अमेरिका हुआ, चीन हुआ, इजराइल हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत हुआ, सभी देशों के वैज्ञानिक इस वायरस से मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आशा की किरण नजर नहीं आई है। इसलिए बचाव ही एक उपाय बचता है इससे बचने के लिए। तो आप इन सभी चीजों का पालन करें। हमारी और आपकी सहभागिता सबसे अहम है। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इस नाते इस मुहिम में
कोविड-19 को हराने की मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हों, सरकार के निर्देशों का पालन करें। और सबसे जो जरूरी बात है, जो हमारे देश के कोरोना के साथ लड़ने वाले योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स जिसको कहा जाता है, जैसे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, ये दिनों रात ऐसे संक्रमित लोगों के बीच में रह रहकर उनके उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं और वे उस खतरनाक वायरस के संपर्क में बार बार आ रहे हैं और वे अपने घर परिवार को छोड़कर ऐसे संक्रमितों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम नमन करते हैं। पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है और इन सभी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से किसी से मिलने जुलने का प्रयोग न करें। और आज पूरा विश्व हाथ मिलाने के स्थान पर नमस्ते का प्रयोग कर रहा है। भारत यदि कोविड-19 को हराने में सफल हो गया आप सभी लोगों के सहयोग से, तो पुनः एक बार भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आएगा। हम आशा रखते हैं आप स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, सरकार के निर्देशों का पालन करते होंगे और आगे आने वाले समय में आप स्वस्थ ही रहेंगे। यदि आप इन सब छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखेंगे,